हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। अक्षय कुमार ने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज कभी नहीं की है जो वो अब करने वाले हैं पृथ्वीराज फिल्म के साथ। जी हाँ, उनकी फिल्म में जिस तरह से भी रही है, हमेशा ही अक्षय कुमार वहां पर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पिछले 5 से 6 सालों में अक्षय कुमार ने बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रोल निभाए हैं, स्पेशली एक्शन में, इमोशनल रोल, सोशली रिलेवेंट फिल्म भी जहां पे उन्होंने की है, पैडमैन, वहां पर भी एक अलग तरह का रोल, फिर कुछ हिस्टोरिकल फिल्में भी की है। तो अलग अलग तरह का रोल एक निभाते, जो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो बहुत बढ़िया किया है। और इन पूरे एक उनके ऑलमोस्ट 30 साल के इतिहास में फिल्मों के, उन्हें सिर्फ एक नेशनल अवार्ड मिला है, राइट, एज ए बेस्ट एक्टर फॉर रुस्तम। यानी कि इस बात से मैं यही कहना चाहता हूं कि अक्षय उन तुजम खान एक्टर्स की लिस्ट में नहीं आते जिस लिस्ट में शायद नसरुद्दीन शाह है, जिस लिस्ट में शायद वो ओमपुरी थे। वो जो लिस्ट है, जिसे जो वो जो परफॉर्मेंस है, वो जो एक बहुत ही डेडिकेशन और घुसके जो परफॉर्म करने वाली जो कला है, वो अक्षय कुमार में अभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये बात से आप और हम रूबरू है। अक्षय हर तरह की फिल्में करते हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल फिल्में बहुत कम की है अक्षय ने। तो ऐसे में जब पृथ्वीराज फिल्म के बारे में बात उठी कि भैया अक्षय पाजी, आपने अभी तक हर तरह की फिल्में की, हिस्टोरिकल फिल्में आपने बहुत ज्यादा नहीं की है, और ये जो फिल्म आप कब करने जा रहे हो, ये है पृथ्वीराज चौहान, थोड़ा बहुत भी 19-20 हुआ तो करनी सेना वाले बैठे हैं, राइट। तो यहां पर डायलॉग्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है मेकर्स और डायरेक्टर की तरफ से। उन्होंने क्या कहा है कि अक्षय जी, आपके साथ एक डायलॉग कोच रहेगा जो आपको डायलॉग सिखाएगा कि डायलॉग किस तरह से, किस इंटेंसिटी से या किस तरह का वर्ड्स यूज करके बोलने हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है अक्षय कुमार को इस फिल्म में सही तरीके का उस इंटेंसिटी वाला डायलॉग बोलने के लिए। ऑफकोर्स केसरी में उन्होंने बेहतर डायलॉग बोला है, लेकिन ये केसरी नहीं है दोस्त, ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो सबकी क्लास या सबकी खटिया खड़ी हो सकती है। तो यहां पर एक और बड़ी बात आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर आप लोग को लगता है कि ये डिसीजन शायद वाइफ का होगा, यशराज फिल्म्स का होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यशराज फिल्म्स का डिसीजन होगा। लेकिन यशराज फिल्म्स का पिछले कुछ सालों का इतिहास अगर देखें तो बहुत ज्यादा फिल्में उनकी बड़ी चली नहीं है। सबसे बड़ी फ्लॉप रही डड रही 220 करोड़ में बनी फिल्म टग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो एक बड़ी फिल्म वापस, ये भी 200 करोड़ के प्लस ही होगी, ये चाणक्य, राइट, नॉट चाणक्य, माफी चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान। तो इसलिए एक बड़ी फिल्म के साथ वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वाइफ ने पहली बार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी नाम के एक डायरेक्टर को लिया, राइट। नहीं तो किसको लेते हैं, वो उनकी जूनियर्स को किसी को ले लेते हैं, डायरेक्टर बना देते हैं। वाइफ ने इस बार लंबा बड़ी चाल चली, इस बार उन्होंने असल मायने में उसे लिया है जिसे समझ है फिल्मों की, इस तरह की फिल्में बनाने की जिसमें कला है, राइट। जैसे हिस्टोरिकल्स के लिए हमेशा अगर हम सोचते तो हमारे जहन में सबसे बड़ा नाम किसका आता है, संजय लीला भंसाली और आशुतोष गुवारिकर। इसके अलावा मुझे लगता है आपके पास कुछ नाम होगा, कलंक बनाने की कोशिश की थी करण जौहर ने, आप देख ही चुके क्या हाल हुआ, राइट। सो इट इज नॉट एवरीवन्स पीस ऑफ केक। लेकिन ये जो डायरेक्टर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, मुझे भी लगा कुछ शायद नए है, लेकिन मैंने इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे काफी अच्छी चीज पता चली कि 1991 या 1992 में टीवी पर, एक नेशनल टीवी पर एक सीरियल आया था चाणक्य, वो इन्होंने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा मृत्युंजय, एक और महाभारत, ये 3-4 सीरियल्स वो बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने नेशनल चैनल्स पे डायरेक्ट किए हैं। उसके अलावा पिंजर करके उनकी पहली फिल्म आई थी जिसमें उर्मिला मातोंडकर थी, और फिल्म बहुत चली थी, बहुत अच्छे थी, उसको शाबाशी मिली 2003 में आई। फिर 2014 में उनकी जेड प्लस फिल्म आई थी जो बहुत चली नहीं, और 2018 में तो उनकी एक ऐसी फिल्म आई जिसका जो नाम था वो था मोहल्ला 80 सनी देओल के साथ, जिसमें काफी गाली गलौज था और फिल्म रिलीज हो नहीं पाई थी, बहुत वक्त के बाद जाके कहीं ना कहीं किसी तरह से रिलीज हुई, बट कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, राइट। तो एक अच्छी खासी फिल्मों का, एक स्पेशली हिस्टोरिकल चीजें डायरेक्ट करने का इनको बढ़िया अनुभव है, और सीसी बात है जब वो मिले होंगे अक्षय कुमार से, डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्हें साफ कहा होगा, भाई अक्षय, हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कला की तारीफ करते हैं, आप बहुत ही मेहनती है, लेकिन आपको इस बार डायलॉग्स पर है ना बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम आपके लिए एक डायलॉग कोच रख रहे हैं, मतलब एक बंदा रख रहे हैं जिसे डायलॉग शैली या उसको बोलने का वो तरीका वो आपको बहुत बढ़िया तरह से बताएंगे। और बड़ी बात पता है क्या दोस्तों,
अक्षय कुमार इतने बड़े दिल के इंसान हैं, उन्होंने ये बात मान ली है। जी हाँ, पहली दफा अक्षय कुमार ने ये बात मान ली है कि ठीक है मुझे डायलॉग कुछ दीजिए जो मुझे डायलॉग सिखाएगा, क्योंकि इस फिल्म में डायलॉग्स बहुत मैटर करेंगे, वो इंटेंसिटी बहुत मैटर करेगी, वो एंगल बहुत मैटर करेगा, जिस तरह से केसी में हमने उन्हें देखा था। सो दिस विल बी एन एपिक फिल्म फॉर अक्षय कुमार, और ये बात सुनकर मेरे ख्याल से आपको भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसलिए खुशी होनी चाहिए कि सीधी सी बात है, जब बेहतर बेहतर अक्षय कुमार के डायलॉग होंगे, परफॉर्मेंस और अच्छी होगी, तो नेशनल अवार्ड कहाँ जाएगा? रुस्तम के बाद शायद नेशनल अवार्ड फिर से आएगा घूम के अक्षय पाजी के पास। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं काफी खुश हूँ। तो आपको कैसी लगी खबर जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो शाम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और दिवाली रिलीज तो है ही है, बहुत अच्छी बात है।